हेलो गाइस, देख सकते हैं आज ये हमारे घर पे वाईफाई लगा है। स्पाइडर लिंक का है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो स्पाइडर लिंक का आगे से ये कनेक्शन चालू हुआ नहीं, अभी अभी लगा है जस्ट। और ये देखो फोर बैंड का है, इसको मैं आपको पूरा कनेक्शन, अगर आपको भी किसी का अपने नज़दीकी एरिया में लगवाना हो तो लगा सकते हैं। यह जयपुर की हर जगह अवेलेबल है, और मैं तो बताऊँगा, देखूँगा इसका स्पीड टेस्ट करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसा क्या काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा। मैंने 300 Mbps का प्लान लिया है। मैं आपको देखो राउटर के वो उठा के एक बार दिखाता हूँ पीछे का भी। ये राउटर है पीछे, और ये फोर बैंड है राउटर। आई होप का आपको भी पता होगा फोर बैंड कैसे क्या होता है। यहाँ पे 2.2.4 है और ये 5 का है ना कनेक्शन। और ये यहाँ पे भी लो, ये लाइट रेड लाइट आ रही है, इसका मतलब है अभी तक आगे से कनेक्शन चालू नहीं हुआ है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ, जब ये रेड लाइट ऑटोमेटिक हट जाएगी, यहाँ पे इधर लाइट जल जाएगी ग्रीन लाइट, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चालू हो जाएगा वाईफाई है ना। और इसे चालू होने में करीबन अभी 2 से 2.5 घंटे का समय बताया है कि चालू हो जाएगा। आगे से लाइन चालू करेंगे तब हम इसको यूज़ करके दिखाएंगे, और तब मैं आपको एक और वीडियो डाल के बताऊँगा कि इसकी स्पाइडर लिंक की स्पीड कितनी है। ये स्पीड अभी हमने 300 Mbps का लिया है। देख सकते हो यूज़र ID, यहाँ पर हमारे आई डी डल जाएगी है ना। जब ये आगे से चालू होगी ना, तभी हमारी ID यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, डाल दी जाएगी, और ID पासवर्ड आएगा। और इसके बारे में ये देखो, ये कहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर तो दे रखी है। ग्रीन लाइट ऑटोमेटिक हट जाएगी, यहाँ पे ये हरी लाइट आ जाएगी इधर की साइड में। और यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे लैन केबल दे रखी है, मैं अभी स्पाइडर लिंक का डब्बा भी दिखा सकता हूँ है ना। तो डब्बा ये रहा, ये देखिए कि ये लैन केबल है जिसको हम यहाँ पे देखो जॉइंट हम यहाँ पे लगा सकते हैं इधर। ये देखो दो सॉकेट दे रखे लैन केबल के, तो ये बटन है, ये रेड बटन, आई होप का आपको दिख रहा होगा। आए देखो ये रेड बटन, इसको हम दबा देते हैं जैसे रीस्टार्ट करने के लिए, पर हम अभी कर नहीं रहे। यहाँ पे दो लैन केबल का है, और ये वाला कौन सा सॉकेट है, आई होप आपको पता हो, नहीं पता तो मैं मुझे भी नहीं पता है ना। ये वाला ये तार जा ही रहा है, और ये रहा ये देखो डब्बा, इसका स्पाइडर लिंक का पूरा डब्बा ये रहा। ये दिख रहा आउटर, आपको रेड दिख रही होगी पूरी की पूरी, क्या पता कैमरे में दिख रही है नहीं दिख रही, पर मैं आपको बता देता हूँ बोल के। 5000 रुपये राउटर का है, स्पाइडर लिंक का हमारा कनेक्शन लगवाया काफ़ी, और अब देखते हैं कि ये कितना बेस्ट कितना क्या चलता है क्या नहीं। इसके अंदर हम आपको खोल के दिखाते हैं डब्बे के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो ये लैन केबल है, ये रही काफ़ी छोटी सी है ना, ये लैन केबल इधर लगती है, और ये कंप्यूटर या फिर जैसे लैपटॉप के अंदर लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जैसे ये इंटरनेट चलने लगेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे इस इंटरनेट की स्पीड कितनी अच्छी है क्या नहीं, आपको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले BSNL यूज़ किया है इंटरनेट, अब BSNL से बेस्ट है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता अभी तक। वैसे बता रहे थे स्पाइडर लिंक काफ़ी अच्छा है, तो चलो देखते हैं। आई होप का आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, नहीं किया तो ज़रूर करना यार ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए। जय हिंद जय भारत।